आशुतोष, तुमने अपने कर्तव्य और अधिकार की बात करके अपना मन तो हल्का कर लिया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि बाबा ने तुम्हें फैसले का अधिकार क्यों दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर हाल में तुम्हारी खुशी चाहते हैं, इस समस्या का हल चाहते हैं। आशुतोष, आशुतोष, कुछ फैसले जिंदगी के इंसान को खुद करने पड़ते हैं। जहां बात कर्तव्य और अधिकार की आ जाती है, वहां बड़े सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। बाबा ने तुम्हें अपनी राय दी है, फैसला करना तुम्हारा अधिकार है। मुझे कि मेरा हर पर आज मैं तुझे पुलिस के हवाले किए बिना नहीं। मालकिन मेरी बातों में विश्वास नहीं है। मुझे कहाँ है भाई? मालकिन मैंने हाथ नहीं दिया। तेरा हाथ नहीं दिया। मुझे कहाँ गया भाई? तेरे हाथ नहीं दिया। मालकिन मुझको चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने हाथ नहीं चलाया। अरे इसी ने चलाया हराम को। मेरा 2 लाख का हाथ बताई दो। अपनी जुबान को साफ कर लो तुम। सच बता मोहन, हार किसने चुराया? मालिक भगवान की कसम मैंने हार नहीं चुराया। हमारे पुरखों ने हमें विरासत में दिया है। तो सही कह रहे राम, पर ना आजकल की पीढ़ी में तो वो मूल्य खो दिया जिनकी अहमियत पहले भी थी और आज भी। अरे आजकल की पीढ़ी तो शादी से पहले अलग घर बनाने के सपने देखने लगती है। माँ बाप की बातें उन्हें ताने लगती हैं और उनका बुढ़ापा बोझ। कुछ भी हो, हमारे आश्रम ने तो ये साबित कर ही दिया कि अगर बच्चों की परवरिश संस्कारों के दायरे में हो तो माँ बाप असल कभी नहीं झुकता। आशु की बातों ने आज मेरा खून बढ़ा दिया। सच में अगर कोई और नौजवान होता ना उसकी जगह, तो लालच में आकर अपना फैसला खुद ही कर लेता, जैसा कि आजकल हो रहा है। आशु ने इस घर के टुकड़े टुकड़े होने से बचा लिया। दिल के टुकड़े नहीं हुआ करते राम। दीपक, कल रात हमने तुम्हारे दादी के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी मां का हार चुराते हुए? जाकर अपनी डैडी से माफी मांग। वो मेरी तरह नहीं है, समझा?
कि वो तेरी हर गलती को माफ करते चले जाए। देख मैं तुझसे फिर से कह रही हूँ, जाकर माफी मांग और उन्हें इस बात का विश्वास दिला कि आइंदा तू ऐसी गलती नहीं करेगा, समझा? ठीक है, आप जैसा कहें। बस पेट भर गया। वैसे भाभी इस नाश्ते के लिए मैं तरस गया था, लेकिन आज नाश्ता लेट हो गया भाभी। हाँ, वो बाबा को ऑफिस जाना था तो उनको देने लगी बस। बाबा ऑफिस? बाबा ने नौकरी कर ली? हाँ। क्यों? भाभी एक बात बताइए, अगर आज समीर भैया जिंदा होते तब भी बाबा नौकरी कर लेते? आशुतोष, बाबा ने नौकरी सिर्फ इसलिए की है ताकि उनका वक्त गुजर जाए। अब तुम अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। माँ, माँ मैं चलता हूँ। हाँ, नाश्ता किया बेटा? हाँ मैं चलता हूँ बीजी। आशु की जगह अगर कोई दूसरा लड़का होता तो कब का घर छोड़ के चला गया होता लालच में आके। ये उन्हीं संस्कारों का परिणाम है जो हमने आशु को उसकी परवरिश में सिखाई थी। तो ठीक कहते हो, वरना आजकल के लड़के इधर शादी हुई और उधर घर के टुकड़े होना शुरू हो गए। नहीं बीजी, हमारा आशु उस तरह के लड़कों में से नहीं है। अब गलत तरह से परवरिश होगी तो उसका अंजाम तो गलत ही होगा। क्या कुछ नहीं कहा मैंने आशुतोष से। मैंने कहा कि मैं गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, तुम जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस उसका एक ही जवाब कि मैं वो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और बेटी मैं जानता हूं कि वो क्यों नहीं घर छोड़ रहा है, क्योंकि कुसुम उस घर में है। हाँ, बहाने के लिए उसने कह दिया कि मैं महाराज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बेटी मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसने यहां तक मुझे कह दिया कि वो तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार है। क्या? हाँ बेटी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। आशुतोष, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। एंड बिलीव मी, मेरी दिली दुआ है कि तुम इस डिपार्टमेंट में अपना नाम रोशन करो, खूब तरक्की करो। थैंक यू सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आशुतोष, तुम्हें नया मकान अलॉट कर दिया गया है जो तुम्हारे पुराने वाले मकान से काफी बड़ा है और जिसकी चाबी तुम्हें दो चार दिन में मिल जाएगी। थैंक यू सर। यू डिजर्व इट मैन, यू डिजर्व इट। और मैं जानता हूं कि तुम ये खबर अपने घर वालों को सुनाने के लिए काफी बेचैन हो। एम आई राइट? यस सर। प्लीज टेक केयर। थैंक यू सर। मैंने ऐसी पिटीशन तैयार की है कि आशुतोष डाइवोर्स देने पर मजबूर हो जाएगा। वेरी गुड, हम यही चाहते हैं, लेकिन आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? अमरनाथ जी, कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि उसका पति उसे जानवरों की तरह पीटे, और कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि उसके प्यार का बंटवारा एक घिनौने अंदाज में एक ही छत के नीचे किया जाए। इस अधिकार की चुनौती को कोई औरत सहन नहीं कर सकती। बस इसलिए कानून सरिता को आशुतोष से डाइवोर्स दिलवाएगा और एक औरत के अधिकार और सम्मान की लाज रखेगा।
वाह मिस्टर मनमोहन शर्मा, वाह, हमें नाज है कि आप हमारे वकील हैं। बस अमरनाथ जी, आप इस पटीशन पर सरिता जी से साइन करवा दीजिए ताकि मैं इसे कल ही कोर्ट में सबमिट कर दूं और परसों इसका समन रामकिशोर के घर पहुंच जाएगा। बस आप ये पेपर साइन करवाकर मेरे घर भिजवा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। तैयार करवा लीजिए। आप सरिता जी से ये कह दीजिएगा कि ये प्रॉपर्टी उनके नाम से ट्रांसफर करवानी है, इसलिए उन कागजात पे उनके दस्तखत की जरूरत है और बीच में हम ये पेपर्स भी रख देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। वेरी गुड कामेश। कामेश सर, तुम फौरन खंडाला जाकर उस प्रॉपर्टी के कागजात ट्रांसफर करवा दो सरिता के नाम। गलत चाल चलन का गलत ही अंजाम होता है कामना। शुक्र है कि यह बात तुम्हारी समझ में आ गई। हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, रामकिशोर जी ने हमारी कंपनी ज्वाइन कर ली। हम जानते हैं, हमने आपसे इसलिए नहीं कहा, हमें लगा शायद कहीं आप बुरा मान जाएं। किस बात का? नहीं, आपको नहीं लगता कि उनका हमारे यहाँ काम करने से अमरनाथ जी और उनके रिश्ते पे असर पड़ सकता है? सिर्फ इतना ही ना कि अमरनाथ जी दौलतमंद हैं और रामकिशोर जी जरूरतमंद। वैसे मुझे उनके जैसे काबिल इंसान की जरूरत थी। हमें तो लगता है कि इस पचड़े से दूर ही रहना चाहिए, कहीं अमरनाथ जी को बुरा लग गया तो। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं ये सोचकर अपनी कंपनी नहीं चलाऊंगा। आप तो बुरा मान गए। कामना, बुरा मानने की बात नहीं है, बात अपने अपने उसूलों की है। मालकिन, आपने मुझसे कुछ कहा? अच्छी दादा गिरी है, लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि हमारा नाम भी कामना है। अरे आशु, आज तुझे ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों हो गई? हाँ माँ, कुछ काम था। वैसे मैं, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। आप चिंता ना करो दीदी, हम अपने घर में खरीद लेंगे। मैम भाभी कहाँ है? अंदर। हेलो मैम। पापा आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी बैठो। कामेश सर, बेटी हमने तय किया है कि जो खंडाला की हमारी प्रॉपर्टी है वो हम तुम्हारे नाम कर देंगे। क्यों पापा? बेटी हमारे नाम पर वो प्रॉपर्टी रहने से काफी टैक्स भरना पड़ रहा है और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कल इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो इस पर साइन कर लो। कौन से पेपर साइन करवाए? खंडाला की जो प्रॉपर्टी है उसको पेपर से। वो प्रॉपर्टी है सरिता।
करके आऊंगा। जाओ तो मुझे जल्दी पहुंचना है। जी सर। अगर आप पहुंच कर मुझे फोन कर देना। ओके अच्छा। मगर खंडाला की कौन सी प्रॉपर्टी? अरे पिछले साल खरीदी थी ना वही प्रॉपर्टी।